यूट्यूब इतना ल्यूक्रेटिव है और जो डॉलर का रेट है और जो हालात है तो उसमें आजकल आप 189 पे पहुंच गए। हमने शोज छोड़ के ये हम लोग इसको फुल टाइम कर रहे हैं। हमारी उनको मुसर्रत खाला ही कहते हैं, मिसेज मुसर्रत है। मैं तो बहुत अच्छा हो गया मिले हुए उनसे। पीला मकान नीली छत। अस्सलाम वालेकुम। तो राबिया नहीं? अरे राबिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरे मोहल्ले में आप आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशी हूँ तुमसे मिलके। खाला तो नहीं मिली मोहल्ला, लेकिन राबिया मिल गई मुझे। कौन सी खाला से मिलना था? अरे है हमारी ना एक दूर की खाला है, उनसे बहुत अरसे से कोई मिलने नहीं आया। तो मुझे हुआ, मैंने कहा वो अकेली रहती है, रमजान मुझे उनसे मिलना चाहिए। क्या नाम है? शगुफ्ता खाला ना? नहीं मुसर्रत खाला। मुसर्रत खाला, चले मैं कोशिश करती हूँ कि हम उनको कहें। हाँ। और वो यहाँ के आपसे मिलने। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सो गुड टू सी यू। आइए, जरा दुश्वार है रास्ता मेरे मोहल्ले में दाखिल होने का, लेकिन हाँ। शॉर्ट है, वरना आपको आगे से लेकर जाना पड़ेगा। खूबसूरत मोहल्ला है। थैंक यू। आए मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ। आपसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है मेरा मोहल्ला। ये इम्पोर्टेंट बात। मुझे पता तो मैं कीनू को ले आती है ना। देखे कितने अच्छी स्कूटी भी है, पता नहीं कहाँ रख दी है स्कूटी। स्लाइड भी है। अभी यहाँ पे एक आर्ट कॉम्पिटिशन हो रहा था बच्चों का। अच्छा नादिया फर्स्ट टाइम देख रही हैं आपकी ये वो नहीं है जी स्टूडियो में बंद। सही बात है, फर्स्ट टाइम रमजान ट्रांसमिशन विद अ वेरी डिफरेंट स्क्रीन कॉन्सेप्ट, आउटडोर, खुली हवा, जबरदस्त बारिश भी तो यहाँ होती नहीं, शुक्र हाँ, है। नहीं अगर हो गई तो खैर है, हम अंदर चले जाएंगे। वहाँ हमने थोड़ा प्लास्टिक से कवर कर दिया और शुक्र है कराची है तो हवा अच्छी है, गर्मी नहीं लग रही है। सूरज की तपिश बहुत होती है, 4 बजे मैं शुरू करती हूँ, लेकिन बाय दिस टाइम जरा ठंडक हो जाती है, हवाएं चलती हैं, फिर हम सहन में आ जाते हैं, वरना हम अंदर किचन का सेगमेंट कर लेते हैं तब तक। है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए बैठिए, आपसे तो आज बहुत सारी गपशप करनी है हमने और बहुत सारे सवाल। और मैं पहले से आपसे माजरत कर रही हूँ, बड़े खतरनाक सवाल उन्होंने बनाया भाई आपके लिए, और कह रहे थे आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, ये जो हमने सवाल आपको बताया ना ये आपने करना है। अच्छा। तो वो मैं पढ़ पढ़ के करूंगी ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि ये मेरी खराफात नहीं है अंदर की, मैं बड़ी अच्छी औरत हूँ, ये इनकी खराफात है। एक है हमारे अच्छा, कौन है? पहले तो मुझे बता दो वो कौन है साहब, ताकि हमको बुला लिया जाए। तुम जल्दी से आओ जो तुम इस तरह के खतरनाक सवाल बनाते हो, मैं बताती हूँ। अच्छा जी नादिया, पहले तो बताएं YouTube कैसा चल रहा है, आउट स्टाइल विद नादिया कैसा चल रहा है, फैमिली का बताएं सारी चीजें। माशाल्लाह बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल 2017 में शुरू किया, आई एम सो ग्लैड बिफोर एनीबडी एल्स। और दुबई में ट्रेंड था, दुनिया भर में ट्रेंड था, यहाँ उस वक्त लोगों को इतना नहीं पता था, तो बस मुझे अच्छा लगता है कि एट ऑफ टाइम रहूं, जो चीजें हो रही है दुनिया में चल रही है वो जरा मतलब हमें भी पता होना चाहिए। अच्छा, हमने तो भी करना चाहिए। हाँ उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था, तो उस वक्त मुझसे लोग पूछते थे कि क्या चीज है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पूछते थे तुम क्या कर रही हो YouTube पे, क्या करती हो। अच्छा, क्यों बनाया है? किसी के पास कोई काम नहीं होता तो वो YouTube करता है। अब पता चला कि जिसके पास काम है वो काम छोड़ के YouTube पे जा रहा है। जी हाँ, कि YouTube इतना ल्यूक्रेटिव है और जो डॉलर का रेट है और जो हालात है उसमें आजकल आप 189 पे पहुंच गए। हमने शोज छोड़ के ये हम लोग इसको फुल टाइम कर रहे हैं। एक तो ये कि इसमें कुछ कोई रेटिंग वाला चक्कर नहीं है, तंग नहीं कोई करता, आप अपनी पसंद का कंटेंट बनाए, आप और फैंस मतलब बस। आई वांट टू से कि आप जिस भी चैनल पर रही हैं, जहाँ जियो पर आप रही, कितना प्रेशर हर चीज, हर जगह, बट यू नेवर टुक प्रेशर ऑफ रेटिंग्स, अपनी मर्जी से काम किया। जब रेटिंग वगैरह आया इनफैक्ट मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि ये अब मजा खत्म हो गया, अब एक रेस बन गई है, तो रेस में मुझे रेस का कभी हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि मैं मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ अपने शौक की वजह से, मुझे पसंद है, it's my passion, it's my hobby and everything. तो ये बस profession बन गया तब आके, वरना मुझे इश्क है अपने काम से। क्योंकि जब आप कर रही थी मॉर्निंग शो तब तो कोई बस नादिया खान मॉर्निंग शो होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग शो अच्छे वक्तों में खान। कर लिया राबिया, अच्छे वक्तों में काम किए, नाम बनाया, इज्जत बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब जरा अब बहुत भेड़ चाल हो गई है, बहुत मुश्किल हालात है, हर काम अजीब सा हो गया। अच्छा एक कॉलर है जी सरगोधा से, महक। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम महक। आपके हस्बैंड भी आए हुए मैंने अभी देखा। अस्सलाम वालेकुम सरगोधा से महक जी, महक आवाज आ रही है, बड़ी सारी बातें जल्दी से बताओ। फैजल का शॉट बनता है वो, देखे ना यूट्यूब ही चल रही है, यूट्यूब इज ऑन। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ नादिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक आपको बहुत बहुत। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। कब नहीं अच्छी लगती है, नादिया तो हमेशा से अच्छी लगती हैं। और एक्सप्रेस मोहल्ला भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू एक्सप्रेस मोहल्ले वालों की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। सरगोधा से तो आज एक और भी कॉल आई थी, सरगोधा में तो अच्छा मौसम है ना महक?
जी बहुत अच्छा है। नादिया आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाय हाय फैसल भाई आपके नजर आए। इतने स्मार्ट हस्बैंड है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतनी अच्छी फैमिली। पूछेंगे नादिया से महक आपकी कॉल के बाद, थैंक यू फॉर योर कॉल, कि नादिया क्या है चेहरे पर ना, अगर आपका पॉजिटिव लाइफस्टाइल है, फैमिली अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी आप रह रहे हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, चेहरे पर दिखता है, काम में दिखता है, आपकी हरकत और सकनात में दिखता है, म्यूरो अगर उस सलीस उर्दू में कहें, तो किस तरह, हाउ डू यू मैनेज द लाइफस्टाइल, पॉजिटिविटी कैसे लेकर आती है? बड़ी सारी चीजें होती है ना, इंसान कहता है सड़ना शुरू हो जाता है कि क्या हर कोई फजूल बातें लगी हुई हैं सोशल मीडिया पर, बट आई वांट टू स्टे पॉजिटिव। आई थिंक मेरे और फैसल के रिश्ते को लेके, हमारे बच्चों को लेके लोग बहुत पॉजिटिव हैं। हम एक बहुत सारे लोगों के लिए बीकन ऑफ होप है। यस कि जी यू कैन बी हैप्पी एट एनी स्टेज एट एनी एज, हर एक को खुश रहने का हक है, लेकिन कभी कभी हैप्पीनेस कुछ लोगों के लिए लेट आती है लाइफ में, ठीक है ना। और उसमें शादी का कसूर नहीं होता, बस दो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने साथ में टुगेदर देयर अ बैड मैच। और जब अच्छा कोई आपको अपना सोलमेट मिले एट एनी एज एंड स्टेज, उसको जाने ना दे।